और ये किसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। पायलट साहब, ये जनसैलाब इस बात का संकेत है कि आप किसानों की आवाज बनकर किसानों की लड़ाई के लिए आप लड़ते रहें। आज का ये हुजूम इसी बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में पायलट साहब की जो ये मेहनत है ये काम आएगी। है ये इस बात का संकेत है कि आने वाला भविष्य उज्जवल है। और पायलट साहब किसानों की आवाज है, किसानों के लिए पायलट साहब हमेशा से संघर्षशील है। पिछली दफा जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस के मात्र 21 विधायक जीते थे, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? हमारे हाईकमान ने प्रदेश की कमान पायलट साहब को सौंपी। 5 साल तक पायलट साहब सभी जिलों, सभी ब्लॉकों, गांवों और ढाणियों और घरों तक पहुंचे और कांग्रेस को मजबूती के लिए काम किया, और उसका परिणाम आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव 2018 में देखा, और आप लोगों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, समर्थन दिया। इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पायलट साहब, ये जनसैलाब इस बात का संकेत है कि आप किसानों की आवाज बनकर किसानों की लड़ाई के लिए आप लड़ते रहें, और ये किसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मुझे याद है जिस समय 77 में कांग्रेस देश से सत्ता से हट गई थी, उस समय इंदिरा जी निकल पड़ी थी, और इंदिरा जी के स्वागत में जिस प्रकार का हुजूम उमड़ा था उससे स्पष्ट हो गया था कि 80 के चुनाव में फिर वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी, और इंदिरा जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस वापस सत्ता में आई। आज का ये हुजूम इसी बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में पायलट साहब की जो ये मेहनत है ये काम आएगी। इसलिए आज मुझे याद है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब जनता तय कर लेती है उसको हम लोग रोक नहीं सकते, नेता लोग रोक नहीं सकते, और जनता ने तय कर लिया है। ये मैं देख रहा हूं, अभी पर्वतसर में भी मैं गया और यहां भी आज देख रहा हूं, और भी जगह भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें मैं झालावाड़ से लेकर और हरियाणा बॉर्डर तक साथ में था। पायलट साहब भी थे, जनता भी था, वहां का भी माहौल मैंने देखा। मैं कोई नया आदमी आज का नहीं हूं। 77 के अंदर जब इंदिरा जी हार गई थी उसको जेलों में डाला था, उस समय मैं भी जेल में गया था इंदिरा जी की गिरफ्तारी के विरोध में। तो इसलिए लंबा मैंने समय देखा है, और लोगों को चेहरों से पता लग जाता है कि लोग क्या चाहते हैं इस देश में। मुझे याद है 77 की घटना, समय नहीं उन सारी घटनाओं का यहां जिक्र करूं, लेकिन यह निश्चित है कि आज के इस मीटिंग किसान सम्मेलन के माहौल में यहां 36 ही कौम के लोग हैं, किसी एक कौम के लोग नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटकर, हिंदू धर्म जाति के बीच में, क्षेत्र के बीच में बांट करके शासन करना चाहती है। लोग आपस में जातियों को आपस में बांट देते हैं, जाटों को राजपूतों में बांट देते हैं, जबकि हम सब किसान हैं। खेत में काम करने वाले की एक ही जाति होती है किसान, और किसान संगठित होगा तो किसान की जो पीड़ा है उसका समाधान होगा। आज इस समय किसान की स्थिति क्या है, बिजली की क्या स्थिति, बिजली के क्या हालात, किसानों के फोन आते हैं कोई जवाब नहीं हमारे पास, और बिजली उनको मिल नहीं रही है, फसल की उन्होंने बुआई कर दी। इस बात को मैंने पहले भी प्रवर्सर में मीटिंग में भी उठाया था मामला, और चिंतन शिविर हुआ, उस चिंतन शिविर में इस मुद्दे को मैंने प्रमुखता से उठाया है। किसानों की कोई भी बात होगी तो उसको हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे, चाहे उसका हमें
कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हम चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों के हित की बात को उठाना हम बंद नहीं करेंगे। ऐसा ही पायलट साहब, किसानों के हित की बात है, वो उठाने में पीछे हटने वाले नहीं है। मुझे याद है, अभी मैं कह रहा था, एक बार बाड़मेर में हमारा किसान बोर्डिंग में सम्मेलन था, लोकसभा का चुनाव था, कर्नल साहब सोनाराम जी भी उम्मीदवार थे और सामने हरीश जी उम्मीदवार थे, तो लोग आए, तो वहां पर जब कर्नल साहब आए तो सारे लोग कर्नल साहब को उठा लिया कंधों पर, और हरीश जी आए तो कोई उस तरफ देखा भी नहीं, और कर्नल साहब भारी वोटों से जीत गए और हरीश जी का पता ही नहीं लगा। हम तो हरीश जी के साथ थे, कर्नल साहब के साथ नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के नाते। पर मतलब मेरे कहने का, जनता जब तय कर लेती है तो हेमाराम भी कुछ नहीं कर सकता और भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जनता ने जो तय किया है वो सही तय किया है, और हम लोग भी आपके साथ हैं, जो आप तय करेंगे उसमें हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब के नेतृत्व में आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। आप लोग मजबूती के साथ पायलट साहब का साथ दें, हम भी साथ में हैं। यही बात कहने को और बात बातें हैं और भी बोलने में, खास करके आप लोग पायलट साहब को सुनने के लिए आए, हमें सुनने के लिए नहीं आए। इतने तादाद में आज लोग आप इकट्ठे हुए हैं, क्या हमारे, अगर मैं आज चीफ गेस्ट होता तो इतने तो छोड़ो 50 आदमी भी इकट्ठा नहीं होते। ये सब पायलट साहब की वजह से आप इतने लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। पायलट साहब को सुनने के लिए आए हैं, और राजेंद्र सिंह जी बूढ़ा, ये भी मेरे जैसे ही आदमी है, मेरे से भी आगे है, मैं थोड़ा पीछे हूँ। ये तो बात कहने में कहीं डरते ही नहीं है, मैं तो फिर भी कभी कभी गुलाटी मार लेता हूँ, पर ये कभी पीछे हटते नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना नफा नुकसान नहीं देखते हुए किसानों के हित के लिए ये संघर्ष शुरू किया है, और यह संघर्ष कामयाब होगा ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूँ। समय की कमी है, पायलट साहब भी बोलेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा, आप मजबूती से पायलट साहब के हाथ मजबूत करें, जिससे कि हम अगले विधानसभा के